तो वही पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नगन्याल जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित संचालित कराने के लिए यात्रा ड्यूटी में तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े और पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिरडियाल ने डीआईजी को पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर जानकारी दी। हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी पर विशेष फोकस करते हुए अब तक 6 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया गया है। इस कार्य के लिए जनपद स्तर पर साइबर सेल की टीम को एक्टिव कर दिया गया है। इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान लगभग 1120 पुलिस सहित अन्य कर्मचारियों की तैनाती की गई है। डीआईजी गढ़वाल ने यात्रा का सफल संचालन करने की अपेक्षाओं के साथ सभी को शुभकामनाएं दी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 10 तारीख से चार धाम यात्रा शुभारम्भ हो रहा है, तो 10 तारीख को कपाट खुले गए बाबा केदारनाथ जी के। तो हम लोगों ने इसमें यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, बीएसी, एसडीआरएफ की नियुक्ति की है, ताकि यातायात जो सुचारू रूप से संचालित होता रहे और जो तीर्थ यात्री और श्रद्धालु आता है वो भी सहज, सरल और सुगमता से यात्रा करें और सुरक्षित होकर यात्रा करें। तो इस उद्देश्य को लेकर हमने आज यहाँ सारे जवानों की रुद्रप्रयाग के ब्रीफिंग की है, ताकि क्या करना है, यात्रियों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे गाड़ियों का पार्किंग करनी है, साथ ही जो एक नई व्यवस्थाएं हैं ऑपरेशन मर्यादा का भी, धाम की जो है जो मर्यादा है उसको बनाए रखने के लिए उसके प्रति भी सजग रहना है, साथ ही जो साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई करना है, इस संबंध में भी सबको बताया गया। इसके अलावा